गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं 10th क्लास के लिए फर्स्ट फ्लाइट नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका पार्ट 3 आपको पढ़ने जा रहा हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कर्तव्य, कम्युनिटी, समुदाय, इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति, फुलफिल, पूर्ण करना, आइसोलेटेड, अलग किया, इनएविटेबली, जिससे बचा नहीं जा सके, सीक्रेसी, जासूसी, रिबेलियन, देशद्रोहिता, मिलाइस, ज्वार के भुट्टे, कस्टम्स, परंपराएं, इल्यूशन, मिस आभासी या क्षणिक, ट्रांजिटरी, अस्थाई, ऑनरेबल, सम्मानीय, ऑब्स्ट्रैक्ट, प्रतिबंधित, कर्टे, कमी की गई, नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा, फ्रीडम, स्वतंत्रता, डिजायर, मिस इच्छा, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित, क्रिमिनल, अपराधी, वर्चुअस, चरित्रवान, इंडिविजिबल, एविवाज, ऑपरेशन, दमन करना, ऑपरेश, दमनीय, जो पीड़ित, पीड़ा, जो पीड़ा को सहन करना, प्रिविलेज, घृणा, ह्यूमैनिटी, मानवता। ये हमारी इस पार्ट 3 की वर्ड्स मीनिंग से आप इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले। अब मीनिंग्स के बाद मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाने वाला हूँ, तो वो ट्रांसलेशन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 खोलेंगे ताकि आपके समझ में आ सके। देखो लेसन में 3 पार्ट स्पष्ट अलग अलग हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के बाद फिर क्वेश्चन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, और सेकंड पार्ट के बाद क्वेश्चन है, उसका फिर 3rd पार्ट है। 3 खंडों में डिवाइड है। तो इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति पहला कर्तव्य। एंड ही हैज एन ऑर्गेनाइजेशन टू हिज पीपुल, और इस देश के लोगों के लिए भी उसका एक कर्तव्य बनता है। कम्युनिटी, समुदाय के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए, पहला कर्तव्य परिवार के प्रति और दूसरा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति बनता है। इन ए सिविक एंड वुमन सोसाइटी, सिविक एंड वुमन सोसाइटी शब्द और सामान्य मानव समाज में ईच मैन हैज इज एबल टू फुलफिल दोज ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों ही कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपने स्वयं की प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार दोनों ही कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी मेरे जन्म और मेरे रंग जैसे व्यक्ति के लिए असंभव था।
फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में व्यक्ति दोनों कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, तो इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसने भी एक मानव के रूप में रहने का प्रयास किया, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंड दिया गया और उसे घर से निष्कासित कर दिया गया। आइसोलेटेड होता है अकेला, मन अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, तो ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसने भी मानव के रूप में रहने का प्रयास किया, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंड दिया गया और निष्कासित कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जिसने अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, वाज एविटेबली राइट फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, उसे अपने परिवार से और घर से अलग कर दिया, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव लाइफ ए लाइफ अपार्ट, और अकेलापन जीवन जीने के लिए उसे बाध्य किया कि वो अकेला रहेगा परिवार से अलग। ए ट्रू लाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, जासूसी और देशद्रोहिता का दोहरा उस पर आरोप लगाया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एवं माई फैमिली, यानी प्रारंभ में मैंने मेरे देश के लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं चुना। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में मैंने मेरे देश को परिवार से ऊपर नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन मेरे देश के लोगों की सेवा करने के प्रयास में, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑर्गेनाइजेशन एज ए सन ए ब्रदर ए फादर एंड ए हस्बैंड, एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में कर्तव्य को पूरा करने में मैंने अपने आप को असमर्थ पाया, मुझे रोक दिया गया। आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने को रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ, यानी जन्म से मेरे अंदर स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से स्वतंत्र, दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हेड, मेरी माँ के घर के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ झरने में तैरने के लिए स्वतंत्र, दैट रन्स थ्रू माई विलेज, वह झरना जो मेरे गांव से होकर बहता था, फ्री टू रोश मेलाइस अंडर द स्टार्स, और तारों की छाओं के नीचे ज्वार के भुट्टे पकाने के लिए स्वतंत्र, एंड राइट द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स,
धीमी गति से चलने वाले स्लो मूविंग बुल्स धीमी गति से चलने वाले सांड के ऊपर सवारी करने के लिए स्वतंत्र, इतने प्रकार से वो स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माय फादर, जैसे ही जब तक मैंने आई ओबेड माय फादर, मैंने मेरे पिता की बात को माना। एंड एविडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, और मैंने मेरी जाति की परंपराओं को निभाने का प्रयास किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी किसी ईश्वर या किसी व्यक्ति के नियम से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, जब तक मैं परिवार का पालन करता रहा, जिम्मेदारी को निभाता। इट वॉज ओनली वेन, ये तब हुआ, वेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे सीखने लगा, जब मैंने सीखना प्रारंभ किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता वो क्या थी, इल्यूशन, आभासी या क्षणिक, या जब मुझे लगा कि बचपन में जो स्वतंत्रता थी वो अब नहीं है। When I discovered as a young man, जब मैंने अपने आप को नवयुवक के रूप में पाया, that my freedom, when I discovered, जब मुझे पता लगा as a young man, नवयुवक के रूप में, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं भूखा रहने लगा, इसके मन स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में क्या थी, भूख। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में क्या चाहता था, किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था। I wanted freedom only for myself. मैं खुद की स्वतंत्रता चाहता था। The transitory freedom, अस्थाई स्वतंत्रता। Of being able to stay out at night, घर से रात बाहर ठहरने की स्वतंत्रता। Read what I please, जो मैं चाहूं वह पढ़ने की स्वतंत्रता। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चाहूं वहां पर जाने की स्वतंत्रता। ये स्टूडेंट लाइफ में वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। लेटर फिर बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब जोहान्सबर्ग में जब मैं गया और वहां पर एक नवयुवक के रूप में था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैंने आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता की मैंने कामना की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी प्रतिभा को प्राप्त करने का, उजागर करने का। ऑफ अर्निंग माई की, पैसा कमाने का। ऑफ मैरी एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करना, परिवार बसाना, पैसा कमाना और अपनी प्रतिभा को सबके समक्ष रखना। ये स्वतंत्रता मैं नवयुवक के रूप में चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ओवरस्ट्रेट इन ए लॉफुल लाइफ, इस कानूनपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बट वेन Then I slowly saw, तब मैंने देखा कि not only I was not free, केवल मैं ही ऐसा नहीं था जिसकी स्वतंत्रता को छीना गया, but my brothers and sisters were not free, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थी। I saw that it was not just my freedom, मैंने देखा
कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टेड, जिसको कम किया गया, यानी केवल मेरी स्वतंत्रता को ही कम नहीं किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, सबकी स्वतंत्रता को कम कर दिया जो मेरे जैसा दिखाई देता था. That is when I joined the African National Congress. यह उस समय की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड देन दैट इट वेन द हंगर फॉर माय फ्रीडम, मेरे स्वयं की स्वतंत्रता की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता की भूख वो बन गई. इट वॉज दिस डिजायर, तो इट वॉज दिस डिजायर, ये वह इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा. टू लिव दियर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, जो अपना जीवन एक प्रतिष्ठा के साथ और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए. दैट एमिनेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया. दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू ए वर्ल्ड वन, एक डरते हुए डरपोक व्यक्ति को साहसी व्यक्ति बना दिया. किसने? लोगों की स्वतंत्रता की भूख ने. दैट ड्रॉव ए लॉ एविडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने कानून के पालन करने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया. दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इंटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर कर दिया, विदाउट होम उसको बेघर कर दिया. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को लिव लाइक ए मॉन्क, एक तपस्वी सन्यासी का जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया. किसने? देश के लोगों की स्वतंत्रता की भूख ने. आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं कोई ज्यादा चरित्रवान नहीं हूं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और आत्म बलिदान करने वाला. देन द नेक्स्ट मैन, किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा चरित्रवान और बलिदान करने वाला नहीं हूं. बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता. द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कम और सीमित स्वतंत्रता का आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे अनुमति मिली, मैं उसका आनंद नहीं ले सकता. वेन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि माई पीपुल वर नॉट फ्री, मुझे स्वतंत्रता मिल गई लेकिन मेरे देश के लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता. फ्रीडम इज इंडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य होती है. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, ये किसी भी मेरे देश के लोगों की चेन, वर द चेन्स ऑन द ऑल ऑफ देम, वो उन सब लोगों की श्रृंखला थी. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल, और सब लोगों की स्वतंत्रता की चेन, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरी चेन थी, यानी मेरी स्वतंत्रता सब लोगों की स्वतंत्रता है, और सब लोगों की स्वतंत्रता ही मेरी स्वतंत्रता की श्रृंखला है. आई न्यू दैट
मैं जानता था कि ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, कि दमनकर्ता को भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि दमनीय पीड़क को, जो पीड़ा सहन करने वाला होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेता है, छीन लेता है। इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत का क्या होता है, कैदी अफराधी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, तो उसे ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, घृणा और संकीर्ण विचारधारा कि सलाखों के पीछे उसे बंद कर देना चाहिए। आई एम नॉट फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच स्वतंत्र नहीं हूं इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को लेता हूं तो मैं अपने आप में स्वतंत्र नहीं हूं, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूं तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। Just age, surely age, I am not free when my freedom is taken from me, मैं स्वतंत्र नहीं हूं क्योंकि मेरी स्वतंत्रता को मुझसे ले लिया गया है। The oppressed and oppressor alike are rob of their humanity, मानवता की जो एक रोग होता है श्रृंखला, उसी की एक श्रृंखला है, मानवता के बंधन से वो क्या है, बंधे हुए। इसलिए दोनों को ही लिबरेट होना चाहिए, दयावान स्वतंत्र होना चाहिए। ये सारी बातें नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में उस उद्घाटन समारोह के दौरान साउथ अफ्रीका के लोगों को और बाहर से आने वाले इंटरनेशनल लीडर्स, डिग्निटरीज, उन सब के लिए अपने स्पीच में उनको संबोधित किया और वहाँ पर आने के सबको धन्यवाद भी। यह हमारा थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हुआ, और इस थर्ड पार्ट के साथ लेसन सेकेंड, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कंप्लीट हुआ। आगे आने वाली क्लास में जो मैंने आपको लेसन पढ़ाए उन सभी के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ताकि आप उन्हें सॉल्व करेंगे और टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। आज का क्लास कंप्लीट हुई।